हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी फ्रेंड्स पे। और दोस्त, इस वीडियो के अंदर आज हम लोग बात करने वाले हैं जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन की, जो कि आपके उत्तर प्रदेश अल्लाहाबाद हाईकोर्ट में पूछे गए हैं। तो अल्लाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी एंड डी का मॉक टेस्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं जीके के क्वेश्चनों की। तो फ्रेंड्स, आपके 25 क्वेश्चन जीके से आते हैं, इसमें 25 क्वेश्चन मैथ के आते हैं और 25 क्वेश्चन की फ्रेंड्स आपका यहाँ पे इंग्लिश और 25 क्वेश्चन का यहाँ पे हिंदी आता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जीके के क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। 51 क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, निम्न में से कौन सा बॉक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो जो बॉक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक देश है फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी, ऑस्ट्रेलिया है जो वो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बांग्लादेश में तुरंत प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को के रूप में जाना जाता है? तो बांग्लादेश में तुरंत प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को जमुना के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? जमुना नदी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं, निम्न में से कौन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है? इसका सही आंसर होगा सैडल पीक। सैडल पीक जो चोटी है वो अंडमान और निकोबार समूह की सबसे ऊंची चोटी है। अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, भारतीय संविधान के 91वें संविधान संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा तथा विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के स्लैश परसेंटेज से अधिक नहीं होगी? इसका जो सही आंसर होगा वह होगा सी, 50% से अधिक नहीं होगी। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के 91वें संशोधन 2003 के तहत मंत्रिपरिषद के सदस्यों की जो संख्या होती है वो लोकसभा तथा विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान है 91वें संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, साइबर कानून है भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो जो साइबर कानून है वो आपका संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। किस सूची के अंतर्गत आता है? संवर्ती सूची के अंतर्गत यह कानून आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, 1946 में संविधान सभा के उद्घाटन सत्र में अध्यक्ष के रूप में किसने अध्यक्षता की थी? तो वह अध्यक्षता की थी फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने, जो 1946 में संविधान सभा के उद्घाटन सत्र में अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। इन्हें अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था फ्रेंड, और फिर जो स्थाई अध्यक्ष चुना गया था वह इनके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थाई अध्यक्ष चुना गया था। और जो अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था वो किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थाई अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, प्राचीन गणित सूत्र सुलवा सूत्र किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर होगा डी, बौधायन के द्वारा यह बुक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है? तो जो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा सी, धूमल। धूमल जो लोक नृत्य है वो आपका जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, निम्न में से कौन सा बिहार राज्य में प्रचलित लोक रंगमंच का रूप है? तो वो जो लोक रंगमंच का रूप है बिहार में वो है आपका जात्रा, जो है वो बिहार राज्य में प्रचलित लोक रंगमंच का रूप है। आभूषण जोशान शरीर में स्लैश पर पहना जाता है? इसका सही आंसर होगा सी, बाह, यानी कि भुजा पर जो आभूषण जोशान है वो शरीर में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, कौन से प्रसिद्ध सूफी संत को चिराग ए दिल्ली के रूप में जाना जाता है? तो वह जाना जाता है आपका, इसका सही आंसर होगा सी, शेख नसीरुद्दीन महमूद को आपका सूफी संत चिराग ए दिल्ली के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेते हैं यार, 2018 में फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आयोजित किया जाएगा, कौन से देश में आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा सी, रूस में 2018 में जो फीफा विश्व कप फुटबॉल हुआ था वो आयोजित हो चुका है फ्रेंड्स, जो आपका रूस में हुआ था हाल ही में। देश के 50 से अधिक वर्षों के गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए
प्रयासों के लिए किसको नोबेल शांति पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स आपका बी, जुआन मैनुअल सेंटोस को। देश के 50 से अधिक वर्षों के गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए अपने प्रयासों के लिए 2016 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे? जुआन मैनुअल सेंटोस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेइंग इट माई वे के रूप में किस महान बल्लेबाज की आत्मकथा लिखी गई है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, सचिन तेंदुलकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2017 में उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के तहत स्लैश के लिए पहली क्षेत्रीय उड़ान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, शिमला से दिल्ली। यह जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2017 में उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के तहत के लिए पहली क्षेत्रीय उड़ान को हरी झंडी दिखावा रवाना प्रदान की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। भारत ने फाइनल में स्लैश को हराकर 2016 जूनियर विश्व कप हॉकी जीता था जो दिसंबर 2016 में लखनऊ में आयोजित किया गया था। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स सी, बेल्जियम। बेल्जियम को हराकर भारत ने 2016 में जूनियर विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले से साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो वह है फ्रेंड्स आपकी ए, इलाहाबाद से। जो आपका उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद है, निम्न में से जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक कौन से राजभूष की है, जिले की? इलाहाबाद की। उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है, कौन से जिले की? इलाहाबाद आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल नैमिषारण्य प्रदेश के स्लैश जिले में स्थित है। इसका सही आंसर होगा सी, सीतापुर में यह स्थित है। महाराष्ट्र में नई शिक्षा और सामाजिक सुधार के एक उत्कृष्ट कार्यकर्ता गोपाल हरि देशमुख थे जो बाद में स्लैश के उपनाम से प्रसिद्ध हुए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लोकहितवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता था? तो फ्रेंड जो आपके औरंगजेब, औरंगजेब को फ्रेंड जिंदा पीर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुस्लिम राष्ट्रीय विद्वान थे जिन्होंने कायरा में शिक्षा प्राप्त की थी और अपने अखबार अल हिलाल का प्रकाशन किया और प्रमुख राष्ट्रीय नेता बने थे। उनका सही आंसर होगा इसका सही फ्रेंड्स ए, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे वो एक मुस्लिम राष्ट्रीय विद्वान थे जिन्होंने कायरा में शिक्षा प्राप्त की थी, आपने अखबार अल हिलाल का प्रकाशन किया और प्रमुख राष्ट्रीय नेता बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, हमें यहाँ पे कौन से अधिनियम के विरुद्ध 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा प्रारंभ की थी और जिसके सदस्यों ने इस अधिनियम की अवज्ञा करने के प्रति वचन लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका बी, रॉलेट अधिनियम के तहत। कौन से अधिनियम के तहत? रॉलेट अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में पठानों ने खुदाई खिदमतगार समाज की स्थापना की थी जिसे लोकप्रिय रूप से स्लैश कहा जाता था। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स आपका सी, लाल कुर्ती। जो खान अब्दुल गफ्फार खान ने के नेतृत्व में पठानों ने खुदाई खिदमतगार समाज की स्थापना की थी जिसे लोकप्रिय रूप से लाल कुर्ती कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लाल कुर्ती। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स अल्लाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी की जो वीडियो है जीके की वो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक नई कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद जय भारत। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्मार्ट हिस्ट्री फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।